यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, मीरअली में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का मुतालबा, फोर्सेस की दो कार्रवाइयों में चार दहशतगर्द हलाक, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर तबस्सुम उर्फ कदरमान मारा गया है। आपको हम खबर दे रहे हैं, मीरअली में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, इस ऑपरेशन के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर ये खैबर पख्तूनख्वा के दो इलाकों में ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। पहली कार्रवाई शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में की गई, जो कि एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में दो दहशतगर्द मारे गए हैं, जिसके अंदर इंतहाई मतलूब या हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द जो है वो कमांडर तबस्सुम उर्फ कदरमान शामिल है, और इसके अलावा उसका साथी साजिद उर्फ सरकंडी जो है वो भी सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़प में मारा गया है। दूसरी कार्रवाई जो है वो एक मुश्तरका ऑपरेशन था, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने किया डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में, और इस इलाके में होने वाली कार्रवाई में दो दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इसके साथ ही आई एस पी आर ने बताया कि हलाक होने वाले दहशतगर्दों से वेपन, एमिनेशन और दीगर जो बारूदी मवाद है वो भी बरामद हुआ, और ये दहशतगर्द जो है ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों हमलों में मुलविस थे, बल्कि आम शहरियों के खिलाफ भी मुतअद्दिद टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी की वारदातों के अंदर भी इनका हाथ था। और इस वक्त इन दोनों इलाकों के अंदर जो एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं, ताकि दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके, और मुकामी आबादियों की तरफ से भी बड़े पैमाने पर खैर मकदम किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों का, और सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुकम्मल तआवुन का यकीन भी दिलाया गया है। जी बहुत शुक्रिया सलमान, आगाह कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।